अल्मोड़ा से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम। अगर आप जागेश्वर धाम आए हैं और आपने जागेश्वर धाम की संग्रहालय नहीं देखा है तो आप इस संग्रहालय में आ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के अधिकारी केपी शर्मा जी। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 लोकल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे संग्रहालय के बारे में, और साथ ही यहाँ बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी की मूर्तियाँ रखी गई है, क्या विशेष मूर्तियाँ हैं इसमें बताइए। ये इंडिया में लगभग 50 संग्रहालय हमारे हैं, उन स्थलीय संग्रहालय, उन्हीं में से एक ये जागेश्वर जो देहरादून सर्किल के अधीन आता है, यहाँ पुरातात्विक स्थलीय संग्रहालय है, और यहाँ आपका जागेश्वर ग्रुप ऑफ टेंपल जो हमारा है, डंडेश्वर है, इन प्लेसों से मूर्तियों को रिकवर किया गया था, और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जिनको म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है आम जनता और सभी के लिए। जो स्कॉलर हैं वो भी आते हैं इन मूर्तियों के रिसर्च के लिए, देखने के लिए। और यहाँ जो संग्रहालय के अंदर करीब 64 मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है पब्लिक के देखने के लिए, जिसमें सूर्य प्रतिमाएँ हैं और पूर्ण राजा की प्रतिमा है और लकुलिश की प्रतिमा है, शिव पार्वती की प्रतिमा है और गणेश की प्रतिमाएं हैं, नवग्रह की प्रतिमाएं हैं, और ऐसे विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ रखी गई हैं। सर, इसमें यहाँ पर जैसे चौमुखी शिवलिंग है और साथ ही नवग्रह के देवी देवता भी इसमें देखने को मिलते हैं मूर्ति में, उसके बारे में। यहाँ नवग्रह की प्रतिमाएँ हैं अंदर रखी गई हैं, जो एक पैनल पर बना हुआ है स्टोन के, जो नौ ग्रह को दर्शाता है पूरा, और इसी तरह शिवलिंग की भी एक प्रतिमा रखी गई है जो पब्लिक के लिए दर्शनार्थ यहाँ शोकेश में रखी गई है। सर, कहाँ कहाँ से पर्यटक आते हैं यहाँ पे? यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो विभिन्न इंडिया के विभिन्न पार्ट से आते हैं। जैसे जो मंदिर, चूँकि यहाँ ग्रुप ऑफ टेंपल है, वो काफ़ी फेमस है यहाँ, और लोग उस पूजा पाठ के लिए आते हैं उस मंदिर में। तो जो पूजा पाठ के लिए आते हैं वो, जैसे आपका बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, या साउथ से भी लोग आते हैं और बाहर से भी, विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ। वो जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं वो, चूँकि मूर्तियाँ यहाँ रखी गई हैं, तो मोस्टली लोग यहाँ म्यूजियम में आके उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि मंदिर में जाने पर एक उनको अधूरा सा लगता है कि हम मंदिर का दर्शन तो किए लेकिन मूर्तियां नहीं दिखती हैं। वो मूर्तियां एएसआई के कस्टडी में, संग्रहालय में प्रदर्शित की हैं, उनको आके ये देखते हैं यहाँ। अच्छा, तो कैसा रहता है यहाँ पे को माहौल? प्रवेश निःशुल्क है, कितने बजे से कितने बजे तक का टाइमिंग? यहाँ टाइमिंग एक्चुअली पूरे इंडिया में जो म्यूजियम का समय रखा गया 10 से 5 रखा गया है, और ये निःशुल्क है यहाँ, कोई भी दर्शक के लिए फीस या टिकट नहीं लगता है, चाहे वो मॉन्यूमेंट हो या हमारा संग्रहालय है, फ्री में है। और 10 से 5 कभी भी आके, शुक्रवार बंद रहता है म्यूज़ियम, उसके अलावा कभी भी आके, पूरे यहाँ तक कि फेस्टिवल में भी म्यूज़ियम खुला रहता है, केवल शुक्रवार को, फ्राइडे को बंद रहता है, उस दौरान आके कोई भी विजिटर देख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, धन्यवाद आपको। ये देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद थे म्यूज़ियम के अधिकारी केपी शर्मा जी। उन्होंने बताया है कि इस म्यूज़ियम में लोग काफ़ी संख्या में पहुँचते हैं, साथ ही करीब 30,000 से ज़्यादा इस बार यहाँ म्यूज़ियम में पहुँचे और जिन्होंने यहाँ आकर मूर्तियाँ देखी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।